देखो, तो हमने लास्ट टाइम ग्राफिकल मेथड से प्रूव किया था s इज इक्वल टू वी टी और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड सिमिलरली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। आज हम क्या करेंगे, सेम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। तो पहली इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू वी टी। s इज इक्वल टू वी टी को प्रूव करने के लिए, या ये इक्वेशन कब लगती है, जब वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इमेजिन करो वही सेम डायग्राम कि अगर ये ओरिजिन है, आपकी बॉडी पहले यहाँ पर थी, थोड़ी देर के बाद आपकी बॉडी यहाँ पे आ गई। तो ओरिजिन से इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी है x1 एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी है x2। तो जब x1 है टाइम की वैल्यू कितनी है 0 और जब x2 है तो टाइम की वैल्यू कितनी है t। अब मुझे ये पता है कि जब ये बॉडी आगे मूव कर रही होगी तो उस केस में इसकी वेलोसिटी v जो कवर होगी उसमें ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब एकदम तो dx एकदम तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर होगी, dx 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 एंड dx इन टाइम dt dt dt। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो हमने क्या सीखा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt। क्लियर है यहां तक, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो v is equal to dx/dt। यहां से काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, dt को इस तरफ लेके जाते हैं तो क्या आएगा, dx is equal to v into dt। तो ये मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल टाइम dt। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन स्मॉल टाइम dt पर हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कितने dx को क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिलाने को क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो एक काम करेंगे, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे ताकि dx जो है dx की इंटीग्रेशन टोटल डिस्प्लेसमेंट दे और dt की इंटीग्रेशन टोटल टाइम दे। और इंटीग्रेशन का सिंबल क्या था, ये सिंबल है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन में क्या पुट करनी पड़ेगी, लिमिट्स पुट करने का तरीका देखो। लिमिट्स में एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट हमें यह बताती है इनिशियल कंडीशन क्या है, अपर लिमिट क्या बताती है, फाइनल कंडीशन क्या है। तो क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो लिमिट भी किसकी लगेगी, टाइम की। और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो लिमिट किसकी लगेगी, एक्स की। जैसे जब ये बॉडी यहां पर थी तो टाइम की वैल्यू कितनी थी, 0 और जब ये बॉडी यहां पर आ गई तो टाइम कितना हो गया, टी। तो बोलो टाइम की लिमिट क्या लगेगी, 0 से t। यानी कि बॉडी कहां से स्टार्ट होती है एट टाइम t = 0 से कहां पर रुकती है एट टाइम t। सिमिलरली यहां पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, x। तो x का मतलब लिमिट किसकी पुट करेंगे, x की। तो बोलो जब ये बॉडी यहां पर है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x1 और यहां पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x2। तो बोलो लिमिट क्या लगेगी, x1 और x2। तो आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं, एट टाइम t = 0 डिस्प्लेसमेंट इज x1, एट टाइम t² डिस्प्लेसमेंट इज x2। तो क्लियर है यहां तक। तो इंटीग्रेशन हमने सीखी, इंटीग्रेशन में क्योंकि इस क्वेश्चन में v इज अ कॉन्स्टेंट तो v बाहर आ गया। तो 1 dx की इंटीग्रेशन क्या है, x, 1 dt की इंटीग्रेशन क्या है, t। कहां से कहां तक, 0 से t, x1 से x2। एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार x की जगह लोअर लिमिट। तो क्या होगा इसमें, x की जगह x2 पुट करेंगे तो x2 - x1 और टाइम में t - 0। तो x2 - x1 क्या होगी इसमें, डिस्प्लेसमेंट। तो x2 - x1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, s और v into t। तो क्या प्रूव हो गया, s = vt। तो इसको करने के लिए आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए, इंटीग्रेशन। बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें, इंटीग्रेशन और लिमिट सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिमिलरली जो सेकेंड टॉपिक है वो है v = u + at। तो v = u + at को अगर प्रूव करना है तो सबसे पहला पॉइंट कि इसमें इनिशियली बॉडी कहां पर है, यहां पे। जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u,
कब एट टाइम टी क्या है, जीरो, कुछ टाइम टी के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, वी। तो इसमें टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से टाइम क्या हो गया, टी, और वेलोसिटी यू से क्या हो गई, वी। वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब इस बॉडी ने क्या किया, एक्सेलरेट, राइट, एक्सेलरेशन। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखा हमने, डी वी बाय डी टी, पहला स्टेप क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी वी इज इक्वल टू ए इंटू टी टी। तो ये मेरे पास क्या आ गई, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी कवर्ड इन स्मॉल टाइम डी टी, ठीक। तो मुझे क्या निकालना है, टोटल चेंज, और टोटल चेंज कहां से कहां हो रहा है, यू से वी हो रहा है। मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, तो हम स्मॉल चेंज से बिग चेंज या टोटल चेंज कैसे निकालते हैं, बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या किया, ये स्मॉल स्मॉल चेंजेस हैं, इन दोनों साइड्स को क्या किया, इंटीग्रेट, और क्या पुट की, लिमिट। लिमिट कैसे, टाइम की लिमिट क्या पुट करेंगे, इनिशियली टाइम क्या है, जीरो, फाइनल टाइम क्या है, टी। तो लिमिट क्या पुट करेंगे, जीरो से टी। फिर ऐसे ही यहां पर वेलोसिटी की लिमिट लगेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की लिमिट क्या लगेगी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। तो लिमिट क्या लगेगी, u से v। तो आपको कंडीशंस क्या बता रही है, या लिमिट्स क्या बता रही है, आपकी इनिशियल और फाइनल कंडीशंस। तो आप चेक करो, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी u है, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है, क्लियर है। अब इंटीग्रेशन, 1dv की इंटीग्रेशन क्या होती है, v, 1dx की x होती है, 1dv की v, 1dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, t, कहां से कहां, जीरो से टी, यू से वी। एक बार वी की जगह वी अपर लिमिट, एक बार वी की जगह लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, वी माइनस यू, और एक बार टाइम की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, टी माइनस जीरो, राइट। तो यहां से क्या आ गया, ए टी, और यू इधर चला गया, तो क्या प्रूव हो गया, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मेन चीज क्या है, मेन चीज इसमें है कि आपको ये स्टार्ट कहां से करना है, इसके बाद तो आप इंटीग्रेशन ही आने चाहिए, इंटीग्रेशन सब कुछ आ जाएगा, पर मेन जो पॉइंट है, स्टार्टिंग क्या होगा। एक बार स्टार्टिंग इक्वेशन समझ में आ जाती है, फिर अपने आप हो जाता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, जैसे मुझे प्रूव करना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि मुझे इसमें s निकालना है। तो मान लेते हैं कि बॉडी यहां से चली, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, और बॉडी यहां पर आई, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, और यहां पर टाइम क्या है, जीरो, यहां पर टाइम क्या है, t, और मान लो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, s। तो हम स्टार्ट कहां से करें, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, s। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जब ये बॉडी u से v जा रही होगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है u से v। चेंज होते हुए लेट अस सपोज उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, dx by dt। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v क्या होगा, dx by dt। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, dx इज इक्वल टू v इंटू dt। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आ गई dx कवर्ड इन स्मॉल टाइम dt। पर मेरे को क्या करना है, मेरे को टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी निकालनी है, s। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से टोटल डिस्प्लेसमेंट में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे को मेरा आंसर v की फॉर्म में नहीं चाहिए, v तो किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी है, मेरे को मेरा आंसर किस फॉर्म में चाहिए, u की फॉर्म में चाहिए। कोई बात नहीं, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, कहीं पर भी किसी भी इंस्टेंट पर t टाइम पे वेलोसिटी अगर v हो जाती है, तो यू कैन अप्लाई इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v को u में कन्वर्ट करना तो आता ही है, v को u में कैसे कन्वर्ट किया, बाय अप्लाइंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दोनों साइड्स को अब क्या करना है, इंटीग्रेट। दोनों साइड की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम की लिमिट क्या पुट करेंगे, बोलो, जीरो से टी, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो लिमिट भी मीटर्स में लगेगी, डिस्टेंस की लगेगी। तो आप ये बताओ कि यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, मान लो ये ओरिजन है, जीरो कॉमा जीरो, तो एक्स जीरो, और यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, एस, क्योंकि अगर ये ओरिजिन है तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हो जाएगी, s। तो मैंने लिमिट क्या लगा दी, जीरो से s।
तो जब मैंने लिमिट 0 से s लगाई तो 1 dx, और इसको इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म at dt। ब्रेक करना सिखाया था, इंटीग्रेशन ब्रेक कर लिया विद लिमिट्स। u कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बाहर आ गया, t नहीं आ सकता क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो 1 dx की इंटीग्रेशन क्या है x, 1 dt की इंटीग्रेशन क्या है t, और t की इंटीग्रेशन क्या होती है t स्क्वायर बाय 2। हमने फॉर्मूलाज किए थे इंटीग्रेशन के, तो t की पावर 1 है तो t स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स पुट करें, x की जगह एक बार s, एक बार 0, टाइम की जगह एक बार t, एक बार 0, टाइम की जगह एक बार t, एक बार 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, s ut हाफ at स्क्वायर। तो प्रूव हो गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब कभी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है लिमिट्स की। अब कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि लिमिट हमने यहाँ पर s क्यों पुट की, लिमिट हमें पुट करनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ x। कैसे, अगर ऐसे नहीं समझ में आता, एक और आसान तरीका है मेरे पास। क्या आप ऐसा करें, आप ये मान लें हमेशा की तरह कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और मान लें इसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2 है। मान लें आपकी बॉडी x1 से कहां पर चली गई, x2 पे चली गई, तो कोई बात नहीं। फिर आप लिमिट क्या लगाएंगे यहां पे, बोलें x1 से लेके x2 तक, तो जो लिमिट है वो क्या लगेगी इसमें, x1 से लेके x2 तक। कोई डाउट इसमें, ठीक। तो लिमिट x1 से x2, तो जब आप 1 dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x, इससे इसको, तो यहां पे क्या पुट करेंगे x1 से x2। जब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं एंड में s। तो या तो आप सीधा लगा दें 0 से s, या आप x1 लें x2 लें और फिर x1 x2 लेके अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है। वैसे 0 से s लेंगे तो एक ही बारी में क्विक आंसर आ जाएगा, s में आंसर आ जाएगा, ठीक है यहां तक। देखो यहां पर एक कॉमन आ गया, t की इंटीग्रेशन क्या होती है t स्क्वायर बाय 2, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, टू की जगह टी नहीं पुट कर सकते ना, टू इज अ कॉन्स्टेंट, वेरिएबल में पुट करना होता है, तो टी की जगह ऐसे टू को अंदर रहने दो, टी स्क्वायर बाई टू माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है यहां तक हो जाएगा प्रूफ। तो आपके जो स्कूल लेवल एग्जामिनेशन है उसमें इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि कई बार एक्सप्रेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्रूव करने के बजाय ऐसा आ जाता है, ये प्रूव करो x इज इक्वल टू x नॉट प्लस यू टी माइनस टी नॉट प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर, ये प्रूव करने को आ जाता है, राइट। अब यहां पर लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या इक्वेशन आ गई, सेम इक्वेशन है जो अभी हमने किया। ध्यान से अगर आप इनके कोऑर्डिनेट्स को देखें तो ये क्या है x, ये क्या है x नॉट, तो आपकी लिमिट जो पुट होएगी यानी कि जो आपकी जो बॉडी चली वो एक्स नॉट से एक्स तक चली। जैसे यहां पर दो टाइम यूज हो रहे हैं टी नॉट एंड टी, तो आपकी बॉडी कहां से चली, टी नॉट से चली और टी तक पहुंची, तो जो बॉडी ने टाइम लिया स्टार्टिंग टाइम टी नॉट है और एंडिंग टाइम टी होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि दो डिस्टेंस और दो टाइम्स में क्या इसमें कैसे यूज करना है। तो आपने ये डायग्राम बना लिया इन वैल्यूज को देखते हुए। वैसे क्वेश्चन में मेंशन भी होता है इनिशियल टाइम टी नॉट है, जीरो नहीं है, नॉर्मली इनिशियल टाइम जीरो होते हैं, पर यहां पर इनिशियल टाइम क्या है टी नॉट है। कैसे पता लगा, क्योंकि दो दो टाइम यूज हो रहे हैं टी नॉट एंड टी, तो टी नॉट इनिशियल होगा टी फाइनल होगा, एक्स नॉट इनिशियल होगा एक्स फाइनल होगा, क्लियर है यहां तक। तो अब इस केस में, ठीक, इस केस में किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, आप एक चीज देखें, बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम है, v इज इक्वल टू dx बाय dt से सेम चीज यहीं पे स्टार्ट करें, v इज इक्वल टू dx बाय dt क्रॉस मल्टीप्लाई v की जगह u प्लस at, बिल्कुल सेम जो अभी हमने पिछला एक्सप्रेशन किया था, और लिमिट पुट करेंगे। लिमिट कैसे पुट करेंगे,
लिमिट इस बार जीरो से टी नहीं पुट होगी, इस बार क्या पुट करेंगे, टी नॉट से टी पुट करेंगे। तो टाइम की लिमिट क्या पुट करेंगे, टी नॉट से टी। यहां पर भी टाइम की लिमिट क्या पुट करेंगे, टी नॉट से टी। और डिस्टेंस की लिमिट क्या पुट करेंगे, एक्स नॉट से एक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, एक्स नॉट से एक्स। अब यहां पर 1dx की इंटीग्रेशन क्या है, x, कहां से, x नॉट से x। तो एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार x की जगह लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, x माइनस x नॉट। यहां पर टाइम की जगह अपर लिमिट t, लोअर t नॉट, तो क्या आएगा, t माइनस t नॉट। ऐसी t स्क्वायर माइनस t नॉट स्क्वायर। तो इसे जब आप x नॉट को राइट पे लेके जाएंगे तो वही प्रूफ कर हो जाएगा जो हमने प्रूफ करना था एक्सप्रेशन। तो पॉइंट क्लियर है कि कैसे वो मॉडिफिकेशन कर सकता, और यही मॉडिफिकेशन नहीं, वो ऐसा भी कर सकता है, प्रूफ करो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस u इनटू t2 माइनस t1। तो बोलो फिर क्या करेंगे, लिमिट क्या पुट करेंगे, t1 से t2, x1 से x2, बाकी एक्सप्रेशन विल रिमेन सेम। तो ये आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा, आपको आइडिया समझ में आ रहा है, वो कोई भी मॉडिफिकेशन करेगा आपको कैसे चेंज करना है, अंदर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इट विल रिमेन सेम, ये नहीं चेंज होगा। इसके बाद जो ये एक्सप्रेशन है, टू प्रूव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। अब इसके अंदर इमेजिन करो कि बॉडी यू पे है, थोड़ी देर में बॉडी कहां पर आ जाती है, वी पे। अब वो क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब एक प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम क्या है, आप कहेंगे कि जैसे पिछले क्वेश्चन में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी वी इज इक्वल टू ए इन टू डी टी, इसे इंटीग्रेट करो, आंसर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर क्या चल रहा है, टाइम, और मुझे जो प्रूव करना है उसमें मुझे टाइम नहीं चाहिए, जो मुझे प्रूव करना है उसमें तो टाइम चाहिए ही नहीं, राइट और यहां पर क्या आ रहा है, टाइम, मुझे इंस्टेड ऑफ टाइम क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। पॉइंट क्लियर है? तो मैं इसे एज इट इज इंटीग्रेट नहीं कर सकता। लॉजिक समझ में आ रहा है, मैं क्यों नहीं इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां पर टाइम आ जाएगा और मेरे को प्रूव में टाइम चाहिए ही नहीं, रादर मुझे एस चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि डी टी की जगह यहां पर क्या लगाओ, डी एक्स लगाओ, ताकि एटलीस्ट इंटीग्रेट करके एस तो आए। तो एक ट्रिक देखो, क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है कि एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, डी वी बाई डी टी। यहां तक क्लियर है? मुझे डी टी को अगर डी एक्स बनाना है, आप ट्रिक देखना क्या ट्रिक है, और काफी बार यूज होगी ये पूरे अभी एक महीने के अंदर, क्या राइट साइड को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और डी एक्स से डिवाइड कर दें, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, वन, कोई फर्क नहीं। आप इसका पेयर एक बना लें और आप इसका पेयर एक बना लें, पेयर बनाने का मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इस डीवी के नीचे क्या लिखें, डीएक्स, और डीएक्स के नीचे क्या लिखें, डीटी। ठीक, पेयर बन गए। इससे एक फायदा होगा, डीएक्स बाय डीटी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, वेलोसिटी वी। ऑब्वियसली डीएक्स बाय डीटी क्या होता है, वेलोसिटी वी। तो आपके पास क्या आएगा, A इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इन टू वेलोसिटी वी। एटलीस्ट आपका डी टी हट गया और क्या आ गया, डी एक्स आ गया। देखो कैसे, ये मैंने लिखी एक्सेलेरेशन डी वी बाई डी टी, राइट साइड में मैंने डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड। इस डी एक्स और डी टी को एक जगह रख लिया, डी वी बाई डी एक्स को एक जगह रख लिया, डी एक्स बाई डी टी को क्या कर लिया, वी। तो ये क्या आ गया, वी। v dv को एक तरफ रखा और a dx को मल्टीप्लाई करके एक तरफ रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या ये पॉइंट क्लियर है, v dv एक तरफ, a dx एक तरफ। तो मेरे पास क्या आ गया, जब किसी बॉडी ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर की dx, तो उसकी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई, dv। पर मेरे को तो टोटल चेंज निकालना है, तो मैं दोनों साइड की क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की लिमिट, x की लिमिट देखो, डिस्टेंस यहां पर 0 से कितना हो गया, s, तो x की लिमिट क्या लगेगी, 0 से s, और वेलोसिटी कहां से कहां होगी, u से v। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, फाइनल क्या है, v, तो लिमिट क्या लगेगी, u से v।
क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू, फाइनल क्या है वी, तो ये स्टेप आ गया। वी डी वी की इंटीग्रेशन क्या होती है, वी स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ, यू से लेके वी तक, राइट। और यहाँ पर ए वन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स, कहाँ से कहाँ, जीरो से एस। तो इसके अंदर एक बार वी की जगह अपर लिमिट तो वी स्क्वायर बाई टू, एक बार वी की जगह लोअर लिमिट तो यू स्क्वायर बाई टू, और एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट एस, एक बार लोअर लिमिट जीरो, तो क्या आएगा एस माइनस जीरो। तो अब ये जो टू कॉमन निकाल के यहां मल्टीप्लाई टू ए एस, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या आ गया टू ए एस। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसके अंदर फिर देखो एक्सेलेरेशन डी वी बाई डी टी, डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड, ये एक पेयर, ये एक पेयर अलग, डी एक्स बाई डी टी इज वी, वी डी वी एक तरफ, ए डी एक्स एक तरफ, इंटीग्रेशन जीरो से एस यू से वी। तो इसकी इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू वन डी एक्स की एक्स, जीरो से एस यू से वी, लिमिट पुट किया वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, और एक्स की जगह एस माइनस जीरो, सॉल्व करके क्या आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ, अब ये प्रॉब्लम जरूर है, काफी लोग ये सोचते हैं कि मुझे कैसे पता लगेगा डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड करना है, है ना। मान लो चलो आज पता लग गया, कल को एक नया क्वेश्चन आ गया, नए क्वेश्चन के अंदर भी ऐसी टेक्निक लगानी पड़ेगी, और मेरे को तो समझ में नहीं आएगा ना किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके खुद कैसे पता लगेगा। प्रैक्टिस, आज आपको पता लग गया या प्रूव कर लेंगे, जब अगली बार फिर से नई सिचुएशन आएगी आपको नहीं पता लगेगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखा हमने इस क्वेश्चन में किया था, फिर आप कहोगे हाँ किया था, फिर आप उस दिन समझ जाओगे। तीसरी बार फिर आएगा, फिर मैं कहूँगा देखा हमने किया था, तो आप में से 20% लोगों को याद रहेगा हाँ किया था, उनको समझ में आएगा, 80% को नहीं समझ में आएगा। चौथी बार करूँगा 50% लोगों को याद रहेगा कि तीन बार किया था, 50 को फिर भूल जाएगा। 5-6 बार करने के बाद 90% लोगों को याद आ जाएगा, 10% को कभी याद नहीं आएगा, ठीक। उसको हर बार याद दिलाना पड़ेगा देख हमने किया था, क्योंकि वो रिवाइज़ नहीं करते, जब वो रिवाइज़ करेंगे तो उनको याद आएगा, जब वो रिवाइज़ नहीं करेंगे उनको कभी याद नहीं आएगा, ठीक। तो पॉइंट समझ में आया, आने की प्रोबेबिलिटी किस क्वेश्चन की है, देखो इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ये आएगा या इनमें से एक आएगा, एक तो आना ही है, पक्का आएगा। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, इसको ध्यान से देखते हैं, इसमें कैलकुलस नहीं है, ये ऐसे ही होगा। क्या टॉपिक है? डिस्टेंस, टॉपिक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth सेकेंड ऑफ द मोशन। अब ये क्या है टॉपिक, इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इमेजिन करते हैं कि सपोज ये ग्राउंड है, और सपोज एक बॉल यहां से गिरेगी, राइट। यहां से बॉल को गिरने, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू, यू यहां पे जब बॉल गिरना स्टार्ट होगी तो आप अपनी स्टॉपवॉच को ऑन करें, तो स्टॉपवॉच को ऑन करेंगे तो यहां से यहां बॉल गिरती है, ये बॉल गिर गई कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना एस, या 10 मीटर 15 मीटर कुछ तो डिस्टेंस कवर होएगा, या कोई तो डिस्प्लेसमेंट होएगी इसमें। डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बॉल नीचे गिरी तो आप मुझे टाइम बताओ बॉल कितने समय में नीचे गिरी, तो मान लो बॉल कितने समय में नीचे गिरी 10 सेकेंड, मान लो 10 सेकेंड, ठीक है यहां तक। इस बॉल, ये बॉल जब ग्राउंड पे टच कर रही थी ठीक इसके एक सेकेंड पहले, इसके एक सेकेंड पहले बॉल कहां पे थी, हवा में थी। कितने सेकेंड पहले की बात हो रही है, एक सेकेंड। तो यानी कि यहां से यहां बॉल ने कितना टाइम लिया गिरने में, 9 सेकेंड। 10 सेकेंड में तो ग्राउंड पे टच कर जाती है, एक सेकेंड पहले कहीं यहां पर होगी, और कितना समय लिया उसने यहां पे आने में, 9 सेकेंड। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो अगर मैं कहूं कि मेरे को डिस्टेंस निकाल के बताओ कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड, क्योंकि आखिरी सेकेंड बच गया था एक बॉल का नीचे गिरने में, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन। या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं कि अगर मान लो
ये इसने यहां से यहां 10 सेकंड में गिरना है, तो ये कौन सा सेकंड है? ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड। फर्क है, 10th एंड 10 में फर्क है। जैसे आपका स्कूल मान लो 10th क्लास तक है, प्लस वन प्लस टू नहीं आपके स्कूल में, और आज आप 10th क्लास में हैं, तो आपके स्कूल में 10 क्लासेस हैं, आपके स्कूल में 10 क्लासेस हैं, लेकिन आप अभी 10th में हैं, तो यानी कि आप क्या बोलेंगे, मैं 10th में हूं, यानी कि मेरी अभी 10th क्लास चल रही है। उसी तरीके से 10th सेकंड का मतलब मेरा अभी 10th सेकंड चल रहा है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी 10 सेकंड्स कंप्लीट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो जब मैं ये बोलता हूं कि एक जर्नी मान लो 100 सेकंड में कंप्लीट होनी है, लेकिन 100th सेकंड का मतलब लास्ट सेकंड के अंदर उसका जो डिस्टेंस है वो 100th सेकंड का डिस्टेंस माना जाएगा। क्लियर है? तो जब मैं बोलता हूं कि ये जर्नी मान लो 10 सेकंड में कंप्लीट होनी है, और एक सेकंड पहले ये जो जर्नी है वो आखिरी एक सेकंड में कंप्लीट हुई, ऐसा बोल सकते हैं, या 10th सेकंड में कंप्लीट हुई ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जब मैं 10th बोलूंगा तो 10वां सेकंड माना जाएगा, 10वां मतलब आखिरी सेकंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे इसको सोचना है आपने? अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि जैसे सपोज ये ग्राउंड है, राइट, और सपोज बॉडी यहां से चली और नीचे आ रही है, ये लो, और नीचे गिरने में बॉडी ने कितने सेकंड्स लिए? n सेकंड्स लिए। नॉर्मली टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, पर मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? n से। कोई बात नहीं, आप n ले लो। तो बॉडी ने नीचे गिरने में कितना समय लिया? n सेकंड्स टाइम लिया। क्लियर है यहां तक? एक सेकंड पहले, ठीक इससे एक सेकंड पहले आपकी बॉडी कहीं यहां पर होगी, एक सेकंड पहले बॉडी यहां पर होगी। क्लियर है? तो ये बताओ कि यहां से यहां कितना टाइम हो चुका है? n माइनस 1 सेकंड, क्योंकि आखिरी एक सेकंड तो ये बचा, टोटल टाइम टेकन कितना है? n सेकंड्स है, तो एक सेकंड ऊपर का मतलब क्या होगा? n माइनस 1 सेकंड। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक है यहां तक? अब डिस्टेंसेस को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको भी देख लो। अगर मैं ये बोलता हूं कि पूरी जर्नी का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करो, तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस, लेकिन इसके पैर में एन डाल दिया, यानी कि इसको कैसे रीड करेंगे? दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन एन सेकेंड्स। एस एन का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन एन सेकेंड्स। उसी तरीके से अगर इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है तो बोलो क्या आएगा? एस माइनस वन, मतलब दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इन एन माइनस वन सेकेंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? एस एन का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी इन एन सेकेंड्स, एस माइनस वन, एस ऑफ एन माइनस वन का मतलब दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी एन माइनस वन सेकेंड। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? अगर मैं ये कहूं कि मुझे आखिरी एक सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है, बस ये वाला, तो मुझे आखिरी एक सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा बोलो? मैं एस एन में से एस ऑफ एन माइनस वन वाले डिस्टेंस को क्या कर दूंगा? माइनस, राइट? तो ये कितने है? एस ऑफ एन, ये कितने है? एस ऑफ एन माइनस वन। और अगर मैं इन दोनों डिस्टेंसेस को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस आएगा, आखिरी एक सेकंड का डिस्टेंस आएगा। क्या स्टेप क्लियर है? राइट? और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एस एन थ, क्योंकि टोटल जर्नी एन सेकंड की है, आखिरी एक सेकंड की जर्नी का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन एन थ सेकंड। तो आखिरी एक सेकंड के डिस्टेंस को कैसे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस एन थ, जो कैसे निकलेगा? Sn में से S of n माइनस वन को माइनस करके। क्या स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? लॉजिक समझ में आ रहा है कि आखिरी सेकंड का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ठीक है, जैसे टोटल जर्नी मान लो 10 सेकंड की है, तो S of 10 में से S of 9, S 10 का मतलब टोटल जर्नी इन 10 सेकंड,
एस नाइन का मतलब टोटल जर्नी इन 9 सेकेंड को माइनस करेंगे तो बोलो क्या आएगा, एस टेंथ, क्योंकि टोटल जर्नी 10 सेकेंड की है तो एस टेंथ का मतलब आखिरी 1 सेकेंड का डिस्टेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी, क्लियर है? तो जब ये क्वेश्चन आएगा कि आखिरी 1 सेकेंड का डिस्टेंस निकालो, तो आप लोग ऐसा माइनस नहीं करेंगे, इसका हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। और क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकेंड या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, एक ही बात है। तो आप चेक करें, लेट अस सपोज ये बॉडी नीचे गिरती है और नीचे गिरती है और बॉडी डिस्टेंस कितना कवर करती है, एस ऑफ एन। 1 सेकेंड पहले ये बॉडी कहां पर है, यहां पर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी कितना, एस ऑफ एन माइनस वन। आखिरी 1 सेकेंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस ऑफ एनथ, एस एनथ क्या होगा, एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। क्या ये स्टेप क्लियर है? और साथ में लिख भी दिया, एस एन का मतलब है, एस एन का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन एन सेकेंड्स, एस एन माइनस वन का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन एन माइनस वन सेकेंड। और मुझे क्या निकालना है, इन दोनों को माइनस करके एस ऑफ एनथ निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये बॉडी यहां से चलती है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है और एक्सेलरेशन बॉडी की कितनी है, ए है, तो पूरा डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है एस एन, तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं पूरी जर्नी के लिए, यू कैन अप्लाई फॉर्मूला एस इज इक्वल टू व्हाट, यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर यहां पर पूरी जर्नी एन सेकेंड में कवर हो रही है, तो टाइम को रिप्लेस करेंगे बाय एन, तो जहां जहां टाइम यूज हो रहा है वहां वहां एन कर देते हैं। तो क्या ये स्टेप पहला क्लियर है कि एस ऑफ एन को हम क्या पुट कर सकते हैं, पूरी जर्नी एन सेकेंड में कवर हो रही है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, क्योंकि यहां पर टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया, बाय एन सेकेंड। क्या ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो पूरी जर्नी, और मान लिया एक्सेलरेशन यहां पर वैसे जी भी यू पुट कर सकते हैं बिकॉज बॉडी नीचे गिर रही है, पर चलो जी की जगह मैंने ए यूज कर दिया तब भी कोई चक्कर नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि बॉडी वाई एक्सिस में मूव करे, कार भी मूव कर सकती है ग्राउंड के ऊपर। जब कार मूव करेगी तो एक्सेलरेशन ए रहेगी, जी नहीं रहेगी, तो मैंने ए ही यूज किया सिंबल। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब ये बताओ, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड्स है, सेम अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन माइनस वन सेकेंड, तो पूरा एन माइनस वन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो जहां जहां ऊपर की इक्वेशन में टाइम को मैंने एन पुट किया, नीचे की इक्वेशन में टाइम को क्या पुट कर देंगे, दोनों जगह एन माइनस वन, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टाइम को क्या पुट किया, एन माइनस वन। यानी कि अगर आपको एस एन निकालना है तो यहां पर टाइम को क्या पुट करना है, एन, एस माइनस एन माइनस वन निकालना है तो टाइम को एन माइनस वन। क्लियर है यहां तक? पर एक्चुअल में मेरे को क्या निकालना है, मुझे तो एस एनथ निकालना है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन एनथ सेकेंड या लास्ट सेकेंड। तो क्या फॉर्मूला करवाया मैंने, एस एन में से एस ऑफ एन माइनस वन को क्या कर देना है, माइनस। तो ये लो, एस एन में से एस ऑफ एन माइनस वन को माइनस करेंगे तो एस एनथ आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब ये बताओ कि एस एन की वैल्यू थी कितनी, एस एन की वैल्यू है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये मैंने निकाला, ये देखो एस ऑफ एन माइनस वन भी निकाल दिया, तो क्या आया, एस ऑफ एन माइनस वन है यू एन माइनस वन हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन वालों क्लियर है? यस सर। तो इसमें एस एन की जगह यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, एस ऑफ एन माइनस वन की जगह यू एन माइनस वन हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इन्हें काम करते हैं, ओपन करते हैं। देखो ओपन कैसे करना है, यू एन माइनस यू ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहां पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यू एन हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन हो रहा है, माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू माइनस, और ये जब टर्म मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हाफ ए, और जब माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस टू एन इंटू ए बाई टू, ये रहा। मतलब इन शॉर्ट आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, जब आप पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके तो टू से टू हो गया कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ ए एन, फिर
ये वाली टर्म इससे कैंसिल, यूएन वाली टर्म यूएन से कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बच गई। तो जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये टर्म बच गई, क्लियर है। अब इस टर्म में से मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म में से a बाई टू कॉमन निकाल लिया। आपको वो कैसे निकाल लिया, इसमें तो a बाई टू है पर इसमें तो a बाई टू है ही नहीं, फिर भी कॉमन निकाल लिया। कैसे, अगर मैंने इसमें से a बाई टू कॉमन निकाला तो यहां पर क्या बचा, माइनस वन, और यहां पर a कॉमन आ गया, पर यहां टू तो था नहीं, तो मुझे टू से क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, ऐसे करो, a बाई टू को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, माइनस a बाई टू, a बाई टू को इससे मल्टीप्लाई करो, टू से टू कैंसिल, आंसर ए एन। अब चेक कर लो, इस टर्म में से माइनस ए कॉमन निकालते ही सिर्फ माइनस ए, तो माइनस हाफ बचता, और यहां पर क्या बचता, एन बचता, पर यहां पर टू भी कॉमन निकाला, तो टू कॉमन निकालने से यहां तो माइनस वन बच गया, और टू से मुझे क्या करना पड़ा, इसे मल्टीप्लाई, राइट। और टू एन वाली टर्म आगे लिख ली, माइनस वन पीछे लिख लिया, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो आज के बाद अगर आपको एस एन एथ निकालना है तो इतना बड़ा माइनस नहीं करना, आपको सीधा क्या लगा लेना है, ये फॉर्मूला एस ऑफ एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, बस। जैसे मान लो एक जर्नी, एक बॉल 10 सेकंड में नीचे गिरती है, और मैं पूछता हूँ 10th सेकंड में कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, इंस्टेड कि मैं 10 सेकंड के डिस्टेंस में से 9 सेकंड का डिस्टेंस माइनस करूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन करूँ, नहीं करूँगा, मैं सीधा यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, एन की जगह 10, आंसर यू आर ए आपको गिवन होगा, आप यहाँ पर एन की जगह 10 पुट कर देना, तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस किसका आएगा, 10 सेकंड्स का नहीं आएगा, 10th सेकंड का आएगा। और अगर डिस्टेंस ट्रेवल 9th सेकंड का निकालना है तो इस फॉर्मूले में एन की जगह 9, लेकिन अगर डिस्टेंस 9 सेकंड्स का निकालना है, 9th नहीं 9 सेकंड्स, तो फिर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ और टाइम को क्या पुट करो, 9, राइट। और अगर 9th निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, 9 निकालना है तो ut plus half at square formula। क्या ये डिफरेंस क्लियर है, इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे आज हम, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो ये आपका मेथड नंबर वन है। तो मेथड नंबर वन नॉर्मल मेथड है, दो डिस्टेंस को माइनस करके आंसर आ जाएगा। अगर किसी को ये मेथड नहीं पसंद और उसको कैलकुलस ज़्यादा बढ़िया लग रहा है तो फिर वो कैलकुलस से करे। मेथड नंबर टू ऑप्शनल है, आपको जो मेथड पसंद है आप उस मेथड से करना, क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलस के अकॉर्डिंगली जब बॉडी नीचे गिर रही होगी तो वी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, डी एक्स बाई टी, राइट, ठीक। ठीक, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। अब यहां पर v को क्या पुट कर सकते हैं, u प्लस ए टी, ऐसी डेरिवेशन पहले भी की थी, और फिर इसे ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करके लिमिट ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जर्नी यहां से यहां तक लेके आनी है, और जर्नी स्टार्ट कहां से हुई, ऊपर से, तो ऊपर वाला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट, तो मेरी जर्नी कहां से कहां जा रही है, एस ऑफ एन माइनस वन से लेके एस ऑफ एन तक जा रही है। तो मेरी जर्नी एस ऑफ एन माइनस वन से लेके एस ऑफ एन तक जा रही है। तो देखो डिस्टेंस की लिमिट क्या लगाई मैंने, एस ऑफ एन माइनस वन से लेके एस ऑफ एन तक, तो डिस्टेंस की लिमिट है वो क्या लगी, एस ऑफ एन माइनस वन से लेके एस ऑफ एन तक। और टाइम की लिमिट क्या लगेगी, हमारी जर्नी कहां से कहां चल रही है, यहां से यहां, यहां पहुंचने में कितना टाइम है, एन माइनस वन, और नीचे पहुंचने में कितना टाइम है, एन सेकेंड्स, तो क्या आएगा इसमें, एन माइनस वन से लेके कितना, एन तक। तो आपकी लिमिट क्या पुट करेंगे, एन माइनस वन से लेके एन तक,
और एस ऑफ एन माइनस वन से लेके एस ऑफ एन तक, बाकी इंटीग्रेशन का खेल है। वन डी एक्स इज, इसको ब्रेक कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, एक कॉन्स्टेंट है, लिमिट पुट कर लो। वन डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स है, वन डी टी की टी है, टी की टी स्क्वायर बाई टू है। एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार टी की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार टी की जगह अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, माइनस करेंगे आंसर वही आएगा। कौन सा मेथड पसंद है, फर्स्ट की सेकेंड? फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट कर लो। कोई कह रहा था सेकेंड ठीक है, मैंने कहा सेकेंड क्यों, कहते दो डेरिवेशन का कॉपी तो है, एक लिमिट तो चेंज करनी है, जब वो दो कर ली तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। अपनी अपनी चॉइस है, आप मेथड टू करना चाहते हो मेथड टू करो, मेथड वन करना चाहते हो मेथड वन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? मेथड मेथड टू में जब बॉडी नीचे गिर रही है या चल रही है तो वी डी एक्स बाई डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी यू प्लस ए टी। हमारी जर्नी आखिरी एक सेकेंड में है, आखिरी एक सेकेंड कहाँ से कहाँ चल रहा है, एन माइनस वन से एन तक। आखिरी एक सेकेंड कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे जब बॉडी चली थी तो टाइम कितना हो चुका था, एन माइनस वन। जब नीचे आ गई तो टाइम कितना हो चुका है, एन। तो एन माइनस वन से एन तक का टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, स्टार्टिंग ऊपर से होनी है इसकी, जो स्टार्टिंग है वो ऊपर से ही है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, एस ऑफ एन माइनस वन, और नीचे तक डिस्टेंस कितना है, एस एन। तो लिमिट देखो क्या लगाई, एस ऑफ एन माइनस वन से लेके एस एन तक। इसे इंटीग्रेट करके आंसर सेम आएगा, हालांकि आप मेथड वन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है यहाँ तक? तो अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और देखते हैं कि इसके बेस पे आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे चलेंगे। जैसे इक्वेशन नंबर, आपकी शीट नंबर नाइन, नाइन्थ, क्वेश्चन है, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट, डिस्क्राइब्स 12 मीटर इन थर्ड सेकेंड। क्या उसने बोला 3 सेकेंड्स? नहीं, उसने क्या बोला, थर्ड सेकेंड। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन के एस एनथ, एस एनथ वाला, राइट? तो थर्ड सेकेंड का डिस्टेंस दे दिया उसने, एंड 20 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड। तो फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एनथ। तो एक बार एन की जगह 3, एक बार एन की जगह 5। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 12th सेकेंड। तो यानी कि फिर फॉर्मूला क्या लगेगा, एस 12th का। अब ये बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एस 12th निकालना है, 12th सेकेंड, फॉर्मूला क्या लगेगा, एस एनथ का फॉर्मूला क्या करवाया मैंने, यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन, और एन को क्या पुट करेंगे, क्या निकालना है, 12। तो क्या निकालना चाहता हूं मैं, एस 12th, यू पता नहीं, ए पता नहीं, एन कितना, 12 माइनस वन। तो अगर मैं आपको यू और ए बता दूं, एन तो आपको पता ही है 12 का, तो आप यहां से एस एनथ कैन बी कैलकुलेटेड। यानी कि हमें क्या ढूंढना है, यू और ए ढूंढना है। क्या लॉजिक क्लियर है? और यू और ए ढूंढने के लिए हम फर्स्ट एंड सेकंड जो फैक्ट्स गिवन है उसको यूज करें। कैसे, ये देखो, 12 मीटर इन थर्ड सेकंड गिवन है। तो केस नंबर वन, एस एनथ का फॉर्मूला लगाया, क्या गिवन है, एस थर्ड, एस थर्ड कितना गिवन है, 12। एस थर्ड में एन की जगह क्या पुट करेंगे, 3। क्लियर है यहां तक? एन की जगह 3, हम थर्ड सेकंड निकाल रहे हैं, क्लियर है? तो ये कितना गिवन है, 12। यू और ए मालूम नहीं, क्या उसने कहा कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, उसने बिल्कुल नहीं कहा। इसीलिए आप यू को अपने आप जीरो कभी भी नहीं ले सकते, उसने नहीं बोला, आप इनिशियल वेलोसिटी यू लेके चलें। क्लियर है यहां तक? और एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला तो ए ले लें। तो फर्स्ट इक्वेशन में 12 यू प्लस ए बाई टू इंटू टू इंटू थ्री माइनस वन, सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर वन आएगी, संभाल के रखें इसे। फिर एक और चीज गिवन है केस नंबर टू, क्या गिवन है, एस 12th, एस फिफ्थ कितना गिवन है, 20। फिर से एस एनथ का फॉर्मूला लगाएं, एस फिफ्थ की जगह क्या पुट करेंगे, 20, यू और ए पता नहीं, और एन की जगह क्या पुट करेंगे, 5। एस फिफ्थ में एन क्या आएगा, 5। तो
तो 2 × 5 − 1 सॉल्व करेंगे तो आंसर इक्वेशन नंबर 2। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन आपने पुट की एस थर्ड से, सेकेंड इक्वेशन आपने बनाई एस फिफ्थ से। दो इक्वेशन जो आपने बनाई दोनों इकट्ठी लिखें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये टर्म माइनस हो जाएंगे, यू से यू क्या हो जाएगा कैंसल। 12 में से 20 माइनस गया तो -8, इसमें से माइनस करोगे तो कॉमन लेके आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन a आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू, तो यू भी आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? a आ गया और u आ गया, और हमने भी यही सोचा था अगर a और u पता लग गया तो आंसर आ गया। तो क्या करेंगे, एस ट्वेल्थ में यू प्लस ए बाई टू 2n − 1 में n की जगह क्या पुट करेंगे, 12। यू हमने निकाल लिया 2, ए हमने निकाल लिया 4, सारी वैल्यूज पुट करके क्या आएगा 48। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो इस इक्वेशंस को यूज कैसे करना है एक आइडिया समझ में आया सबको? ठीक, क्लियर है यहाँ तक? डाउट? अरे डाउट, पीछे फिर देखो, फिर देखते हैं, फिर देखो, दो तीन न्यूमेरिकल मैं करके दिखाऊंगा, फिर आप को अभी शीट मिली है वह प्रैक्टिस आप करेंगे। बॉडी डिस्क्राइब्स 400 सेंटीमीटर इन थर्ड सेकेंड। तो वो क्या कह रहा है, एक बॉडी 400 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस कवर करती है थर्ड सेकेंड में, एंड 1200 इन फिफ्थ सेकेंड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि यहां पर एस nth का फॉर्मूला लगेगा और यहां पर एस फिफ्थ का फॉर्मूला लगेगा? यस कि नो? अच्छा, मैं आज प्लस 11वीं क्लास में हूं, 11th में हूं, तो मेरी क्लास के लिए एस nth का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? मतलब जहां थ लग गया तो ये थ वाला फॉर्मूला वहां चल पड़ेगा, ऐसे थोड़ा सिखाया मैंने। मैंने ये सिखाया, मैंने कहा कि बॉडी डिस्क्राइब्स 400 सेंटीमीटर्स इन थर्ड सेकेंड, तो क्या इसमें एस थर्ड का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, अभी भी लगेगा, हाँ लगेगा, ठीक है, सही है, लगेगा। तो टिके रहो, टिके रहो, ठीक, लगेगा, क्योंकि एस थर्ड है 3 नहीं है, एस फिफ्थ है 5 नहीं है, बिल्कुल सही। अभी भी लोग जो यस बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, एस थर्ड लगेगा। ऐसे ही 1200 सेकेंड इन फिफ्थ सेकेंड, तो एस फिफ्थ का फॉर्मूला लगेगा, ठीक। इफ द बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाउ फार इट विल ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, क्या इसमें एस nth का फॉर्मूला लगेगा, हाँ या ना? क्या यहां थर्ड लगा? नहीं लगा, 3 सेकेंड लगा तो नहीं लगेगा। थर्ड फिफ्थ सेकेंड उस पर लगता है, 3 सेकेंड 5 सेकेंड 8 सेकेंड पे क्या लगता है? एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम समझो, ये क्वेश्चन पूछने वाला आपको एक स्टोरी सुना रहा है। वो कहता है कोई ना बॉडी स्टार्ट हुई कहीं से, ठीक है, स्टार्ट हुई, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पता नहीं, जब पता नहीं तो कम से कम 0 तो नहीं है, तो क्या एज्यूम करेंगे, यू। एक्सेलरेशन पता नहीं तो क्या एज्यूम करेंगे, ए, यू और ए। बॉडी चल रही थी, उसने कहा जब ये बॉडी चल रही थी तो थर्ड सेकेंड में उसने डिस्टेंस 400 सेंटीमीटर कवर किया था। मैंने कहा ठीक है, फिर आगे फिफ्थ सेकेंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया था, 1200 सेंटीमीटर कवर किया। मैंने कहा ठीक है। वो कह रहे कि अब अगले 3 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कोई मुझे ये बताएगा कि अगला 3 सेकेंड यहां पर मतलब क्या है, कहां से अगला 3 सेकेंड, कहां से? फिफ्थ से। तो कहानी 5 तक तो सुना चुका, 5 तक कुछ वैल्यू दे चुका, आपको फिफ्थ के अगले 3 सेकेंड पे वैल्यू बतानी है। जैसे डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करूं तो यू और ए अभी हम निकालेंगे, अभी मान लो यू और ए इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है, तो क्या कह रहा है, थर्ड सेकेंड पे कुछ वैल्यू दे रहा है आपको डिस्टेंस की, फिफ्थ सेकेंड पर कुछ वैल्यू दे रहा है डिस्टेंस की, फिर कह रहा है फिफ्थ सेकेंड के अगले 3 सेकेंड। अब अगला 3 सेकेंड तो काफ़ी बड़ा होगा,
एक सेकंड थोड़ी ना, 3 सेकंड्स हैं, तो अगले 3 सेकंड की ये दूरी क्या होगी ये आपको बतानी है। तो आपको डायग्राम समझ में आ रहा है? ये डायग्राम गिवन नहीं होंगे, ये अपने मन से बनाने हैं आपने, ताकि आपको समझ में आए कि पिक्चर है क्या इसमें। तो क्या ये जर्नी समझ में आ रही है? यहां पर डिस्टेंस दे दिया, यहां पर डिस्टेंस दे दिया, और इसके अगले 3 सेकंड में डिस्टेंस पूछ लिया। क्लियर है? तो अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो बताओ, शुरू से जब जर्नी स्टार्ट हुई थी और यहां पर जर्नी पहुंच चुकी है, शुरू से लेके यहां तक टोटल टाइम कितना हो चुका? 8 सेकंड। और यहां पर कितना टाइम था? 5 सेकंड। तो अगर मैं शुरू से 8 सेकंड का डिस्टेंस आपको बता दूं और शुरू से 5 सेकंड का डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूं, और अगर मैं इस टोटल 8 सेकंड के डिस्टेंस में से 5 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस कर दूं, तो मेरे पास अगले 3 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो टोटल डिस्टेंस 8 सेकंड के डिस्टेंस में से 5 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस करके 3 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। पर मुझे क्या चाहिए? यू नहीं पता, मुझे ए नहीं पता, क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे? यू और ए निकालते हैं। तो मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है 3rd सेकंड में डिस्टेंस कितना है? 400। तो मैंने एस थर्ड का फॉर्मूला लगा लिया, एस एनथ वाला, एन की जगह क्या पुट किया? 3। एस थर्ड की जगह क्या पुट किया? 400। यू और ए मुझे पता नहीं था, इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1। क्या ये पॉइंट क्लियर है? उसी तरीके से फिर मुझे क्या गिवन है? एस फिफ्थ कितना गिवन है? 1200। एस फिफ्थ में आप एन की जगह क्या पुट करेंगे? 5 पुट करके डिस्टेंस कितना गिवन है? 1200। यू और ए पता नहीं, तो सॉल्व करके आंसर इक्वेशन नंबर 2। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 लिखा, इक्वेशन नंबर 2 को लिखा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, वो आप करेंगे सॉल्व, सॉल्व करके यू और ए कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहां तक? तो यू भी आ गया और ए भी आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन में यू पता है मुझे, ए पता है, यू नेगेटिव है, नेगेटिव रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू पता है ए पता है, मुझे अगले 3 सेकंड का डिस्टेंस बताना है। तो मैं क्या करूंगा? पहले 8 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लूंगा, उसमें से 5 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस करूंगा। तो यानी कि डिस्टेंस इन नेक्स्ट 3 सेकंड में क्या करूंगा? एस एट का मतलब टोटल 8 सेकंड का डिस्टेंस में से टोटल एस फाइव का मतलब फिफ्थ नहीं, 5 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा। अब 8 सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या लगता है? यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर पुट किया और टाइम को क्या पुट किया? 8। और S5 में डिस्टेंस 5 सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाया? यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर और टाइम की जगह क्या पुट किया? 5। यू भी पता है, ए भी पता है, हम निकाल चुके हैं, सॉल्व कर लेना, माइनस करना, आपके पास आंसर 6000 सेंटीमीटर आएगा। लॉजिक क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब कई स्टूडेंट इसको ऐसे नहीं करते, कई स्टूडेंट ऐसे नहीं करेंगे, कई स्टूडेंट इसको मेथड 2 से करते हैं। कैसे करेंगे? ये देखो, मैंने वैसे भी कर दिया कि ये बॉडी का यू और ए तो आ गया था हमारे पास। वो कहते हैं कि क्योंकि हमें ये डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं अप्लाई करता हूं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर इस जर्नी के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये जर्नी है, सिर्फ ये जर्नी कंसिडर करनी है, तो मुझे यहां की वेलोसिटी नहीं पता, क्योंकि अगर मैं ये जर्नी कंसिडर करता हूं तो यहां की वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? मेरी इनिशियल वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, हम एस एट में से एस फाइव माइनस करने की बजाय यहां की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो यहां पर टाइम कितना है? 5 सेकेंड। यू मुझे पता है, तो इस पूरी जर्नी में, इस यहां 5 सेकेंड की जर्नी में आप अप्लाई करें वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। यू आपको पता है, ए आपको पता है, टाइम आपने क्या पुट किया? 5। तो आपके पास कौन सी वेलोसिटी आ गई? फाइनल यहां पे। तो वी की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 1400। अब अगर आप सिर्फ इस जर्नी को कंसिडर करते हैं, तो इस जर्नी के लिए ये 1400 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या मानी जाएगी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब पीछे की जर्नी को भूल जाएं, तो ये वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी। एंड यू कैन अप्लाई इस जर्नी के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या पुट करेंगे? 1400। टाइम की जगह क्या पुट करेंगे? 3। और एक्सेलरेशन आपको पता है और टाइम 3, सॉल्व करके आंसर सेम आएगा। तो आपकी मर्जी है, आप 8 सेकंड के डिस्टेंस में से 5 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस करना चाहें, या फिर फाइनल वेलोसिटी निकाल के सिर्फ उस पार्ट के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर लगाना चाहें, ये आपकी मर्जी है। तो मतलब अब कोई लिमिट नहीं है सॉल्यूशन पे, आप सॉल्यूशन कैसे भी सोच सकते हैं, आंसर सही आना चाहिए, लॉजिक सही होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें समझ में आ रहा है लॉजिक की कैसे करना है? ठीक। अगर मान लो आपको किसी क्वेश्चन में ग्राफ दे दे वो, और कौन सा ग्राफ दे दे? वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर हम एरिया निकाल लें तो हमें क्या मिलती है? डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में ये ग्राफ गिवन होगा, कुछ ग्राफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में भी होगा और कुछ नेगेटिव में भी होगा, नेगेटिव वैल्यू के साथ होगा। तो अगर इसमें वो पूछे कि डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। तो अगर वो कहे कि डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस में आपने इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है, और तीनों को ऐड करना है। आपको कहे सर ये वैल्यू -20 है, हाँ तो कोई बात नहीं, -20 का मॉड लगा देना, इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेना, माइनस मत लेना एरिया, चाहे एरिया नेगेटिव आ रहा है पर आपने पॉजिटिव लेना है, तीनों एरियाज को ऐड ही करना है। ठीक, क्योंकि डिस्टेंस में लेंथ ऐड ही होती जाती है, सब्ट्रैक्ट तो होता ही नहीं कुछ भी। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में यहां का एरिया प्लस यहां का एरिया माइनस यहां का एरिया, तो दोनों एरियाज को आपने क्या किया? ऐड, और नीचे के एरिया को आपने क्या कर दिया? माइनस। तो आपने माइनस साइन कंसिडर करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आपने डिस्टेंस को ऐड करना है ना, आपने इसमें डिस्टेंसेस को ऐड करना है। अगर डिस्टेंस निकालना है, सारे एरिया चाहे नेगेटिव भी आ रहा है तो भी उसको प्लस करके ऐड ही कर देना है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो आपने जो एरिया पॉजिटिव है पॉजिटिव लेना है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव लेना है, और फिर फाइनल आंसर निकालना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, ठीक। तो एक शीट करते हैं, अभी हम कर रहे थे जो, ये लो। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, एक बार इसे एक बार ट्राई करो प्लीज। अ बॉडी डिस्क्राइब्स 400 सेंटीमीटर इन थर्ड सेकेंड, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? एस एनथ। एंड 1200 सेंटीमीटर इन फिफ्थ सेकेंड, फिर से क्या लगेगा? एस एनथ। अच्छा सेम क्वेश्चन है, हो चुका, हाँ सॉरी ये तो हो चुका 6000, सॉरी ये मैंने कर दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट नहीं किया, नेक्स्ट करें, इस क्वेश्चन को करें।
इसमें क्या क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन, तो एक्सलेशन तो कॉन्स्टेंट है, इट्स विलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 8 सेकेंड इज 34 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12th सेकेंड। अब 12th सुनते ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या लगेगा, एस 12th, फॉर्मूला क्या है, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, तो यहाँ पर u प्लस ए बाई टू इंटू टू इंटू ट्वेल्व माइनस वन, क्या है पॉइंट क्लियर है, तो अपने को क्या चाहिए, u चाहिए और a चाहिए, u आ गया a आ गया आंसर आ गया, क्या है लॉजिक क्लियर है, जो निकालना समझ में आ रहा है, u और a निकाल दें। अब u और a निकालने के लिए क्या गिवन है, इट मान लो बॉडी u पे चली, u से चली, एक्सेलरेशन कितनी है इस जर्नी की a, तो आफ्टर 5 सेकेंड, तो टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आप एक काम करें यहाँ पर लगाएं v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो फर्स्ट केस में v इज u प्लस 80, 25 इज इक्वल टू u प्लस a और टाइम की जगह कितना 5, क्या स्टेप क्लियर है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 में टाइम को 5 पुट किया तो ये इक्वेशन आ गई, क्लियर है, ठीक। अब सेकेंड केस में एंड 8 सेकेंड पे वेलोसिटी 34 है, यानी कि और आगे चलते हैं अगर यहाँ से, तो ये टाइम क्या हो चुका है यहाँ पर 8 सेकेंड, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है इसमें 34 है, तो यानी कि अगर मैं ये और ये स्टार्टिंग फिर से लेता हूँ पूरी जर्नी, तो ये मेरा केस नंबर क्या था 1, अब मैं क्या लूँगा केस नंबर 2, तो फिर से लगाऊंगा एक बार v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इस बार फाइनल वेलोसिटी की जगह 34, u प्लस a और टाइम की जगह 8, क्या स्टेप क्लियर है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, u और a आएगा, फिर u और a निकाल के किस में पुट करना है, s 12th में पुट कर देना, 2 इंटू 12 माइनस 1 आंसर आएगा, चेक करो क्या आंसर आ रहा है, s कितना आ रहा है, s 12th 44.5, ओके चेक करो, s ही सेकेंड पार्ट करना है, डिस्टेंस 10th में यानी कि जगह 10, समझ में आ रहे हैं यहां तक,
देखो आंसर आया इसका, u और a कितना आया इसमें, u कितना आया 10 और a कितना आया 3, u और a आ गया, फिर आपने यहाँ वैल्यूज पुट कर ली u और a की, आंसर कैन बी। तो मैं इसकी शीट की सोल्यूशन नेक्स्ट टाइम बना के लाऊंगा, इसको होमवर्क ही रखो, जिसका नहीं हुआ इसको ट्राई करना। ना ना ये केस एक ही है, स्टार्टिंग पॉइंट वही है इसका यू का, तो टेंथ सेकंड पे क्या हुआ, ट्वेल्थ पे क्या हुआ, दो क्वेश्चन पूछ रहा है वो, स्टार्टिंग पॉइंट वो है, दो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, यू डिफरेंट नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है, पार्ट दो है, मतलब कि यू डिफरेंट का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यू और ए तो जो आपने निकाल लिया वो तो वही वही है ना, इसको रेफरेंस मानते हुए एस ट्वेल्थ निकालो और एस टेंथ निकालो, इसको रेफरेंस मानते हुए ऐसे, ये एक ही क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन कहां बनाए उसमें, फिर नया यू आर ए निकाल लें, मैंने अलग यू कभी लिया ही नहीं, जब केस नंबर 1, 2, 3 लेता हूं एक ही यू लेता हूं मैं, तो एक क्वेश्चन में तो एक ही यू होगा ना यार, गाड़ी एक है तो एक ही यू होगा, दो गाड़ियां तो दो यू होंगे, केस ही एक है ये। ओके इसमें करो प्लीज, क्वेश्चन लगानी है, ओ कौन सी इक्वेशन लगानी है, कैसे पता लगेगा, अगर आपको ये पता लग गया ना तो आपके 15 दिन आप माइनस कर दो, 15 दिन बच जाएंगे, अगला 15 दिन हमने यही सीखना है कि कौन सी इक्वेशन लगानी है, बस बात होगी ख़त्म। अब ठीक है तो बस, तो प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, तो आप कोई भी इक्वेशन लगाओगे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कौन सी क्वेश्चन लगेगी, ठीक है, प्रैक्टिस से पता लगेगा। और अगर यही बता दिया ना, फिर सच बता रहा हूँ मैं, फिर आप कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप 15 दिन मत आना, आपको पता है कौन सी क्वेश्चन लगेगी, ठीक यार। यही सबसे इसमें इसमें प्रॉब्लम, फिजिक्स में प्रॉब्लम पता है क्या है, पहले आप क्वेश्चन समझें, आप इमेजिन करें कि क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है, फिर आप उसको उसकी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर ये लगाऊंगा, फिर उसके बाद फिर मैथ्स आता है, फिर मैथ्स लगेगा तब जाके फाइनल आंसर आएगा, तो ये एक स्टेप ऊपर है, पहले क्वेश्चन समझना, प्रॉब्लम समझना, फिर प्रॉब्लम की स्ट्रैटेजी बनाना कि हाँ लगता है कि ऐसे 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 होगा, और फिर मैथ्स लगाना। अभी तो यू आर वी चल रहा है, अभी तो और एक लेवल ऊपर जाएगा, जैसे कि एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसने फूड पैकेट ड्रॉप किए, वो किसी एंगल पे जा रहे हैं और वो किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरते हैं, कैच करने वाला कैच कर रहा है उसे, कितनी वेलोसिटी से कैच कर रहा है, कितने एंगल पर हिट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा और, पर डोंट वरी 2D है वो, 1D अगर आ गया तो 2D अपने आप आ जाएगा, मुश्किल नहीं है, मज़ा आएगा, मुश्किल नहीं है, मैंने ये नहीं कहा मुश्किल है, मैंने सिर्फ ये बताया कि आपको स्ट्रैटेजी सोचना पड़ता है फिजिक्स में, मतलब अगर कोई स्टूडेंट सोच नहीं पा रहा ना तो वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो जैसे एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, इमेजिन करो एक हेलीकॉप्टर सामने तेजी से आ रहा है, और अगर वो कोई फूड पैकेट ड्रॉप करता है, अगर वो ऐसे आ रहे हैं हेलीकॉप्टर, तो फूड पैकेट जब ड्रॉप करता है, ड्रॉप छोड़ दिया किसी ने, तो क्या नीचे गिर जाएगा, ना वो थोड़ा ऐसे गिरेगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर की स्पीड भी उसको मिलेगी, तो फूड पैकेट आगे की तरफ गिरता है हमेशा, तो ऐसा नहीं गिरता, मतलब खड़ा हुआ हेलीकॉप्टर तो नीचे गिरेगा, चलता हेलीकॉप्टर आगे की तरफ गिरता है, तो कहाँ गिरेगा, क्यों गिरता है, कैसे गिरता है, ये सब इमेजिनेशन की गेम भी है थोड़ी सी, सिर्फ फिजिक्स सिर्फ यही नहीं है कि फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया, थोड़ी सी एक स्टेप ऊपर है आपको इमेजिनेशन, अगर नहीं हो रही इमेजिनेशन कोई बात नहीं, मेरा काम है इमेजिन करवाना, तो हम न्यूमेरिकल क्या करते हैं, यही काम करेंगे, नहीं हो पा रही तो मैं आपको इमेजिन करवाऊंगा, देखो अगर ये सिचुएशन होगी तो इसमें ऐसा बनेगा, फिर आपका दिमाग अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, आप खुद इमेजिन करना शुरू कर दोगे, ठीक है, हो गया, कितना आंसर है यार, है ठीक है, तो ये तो इजी है, एक्स इसमें गिवन है और क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, बोलो क्या करें इसमें, सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट ना, टी जीरो सीधा ही पुट कर सकते हैं एक्स में, हाँ पहले वेलोसिटी इनिशियल निकालनी है भाई, पहले वेलोसिटी तो निकाल लो, और वेलोसिटी कैसे निकलती है, dx बाय dt, तो यहाँ पर d बाय dt ऑफ x, x की वैल्यू कितनी है, 180t प्लस 50 इंटू टी का स्क्वायर, तो v विल बी इक्वल टू 180 प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 100t, उसने कौन सी वेलोसिटी पूछी आपसे, इनिशियल, इनिशियल में टाइम की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो v की वैल्यू क्या आएगी,
180, क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक आंसर आ गया। फिर आपको इसमें क्या निकालना है, फाइंड दी वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। तो ये ए पार्ट है। बी पार्ट में वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड में 180 प्लस 100 इनटू, बोलो टाइम की जगह कितना, 4। आंसर इनिशियल में टाइम की जगह 0 और वैसे टाइम की जगह 4। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, फाइंड दी एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी हमने इंस्टेंटेनियस निकाल ली, कितनी, 180 प्लस 100 इंटू टी। मुझे क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो डी वी बाई डी टी। तो ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ कितना, 180 प्लस 100 टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 और आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 100। मेथड समझ में आ रहा है? मैं ऐसा 5 ही पुट करेंगे, ऐसा नहीं होता। एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड अलग है और 5 सेकेंड स्टार्टिंग अलग है, नहीं, टाइम इंस्टेंटेनियस है। 4 सेकेंड पे एक होगी, 5 पे एक होगी, 4 और 5 का कोई बॉर्डर नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इतना भी डीप नहीं जाएंगे टाइम को लेके, डी टी लेके। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है सबको? ओके, ऑनलाइन क्लियर है? यस। ठीक है, ये होमवर्क लिखो, फोर्थ होमवर्क है, फिफ्थ होमवर्क है। शीट आपको दे दूँ लास्ट टाइम, वही तो शीट चल रही है, 7th और 8th था, मैं देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 करो, मैं अभी देता हूँ शीट, दे रहा हूँ, 6th करो। हाँ, होमवर्क है सारा, ये 7th है शीट, नेक्स्ट 7th हो गई थी, 8th है, 8th नंबर शीट है ये। इस क्वेश्चन को करना है आपने 6th को। सोचें जरा कैसे होगा, पहले सोचें क्या सिचुएशन है, फिर स्ट्रैटेजी बनाएं कि कैसे आप इस एक्सीडेंट को रोक सकते हैं, या एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, कैसे डिसाइड करेंगे। भाई गाड़ियां चल रही हैं, सोचो। मैंने तो नहीं कहा आंसर निकाले, मैंने कहा आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करें और सोचें कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, और आप न्यूमेरिकल ना करें, लेकिन एक चीज़, एक सोल्यूशन दे सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो एक्सीडेंट होगा, अगर ऐसा होगा एक्सीडेंट नहीं होगा, वो सोल्यूशन क्या होगा। कहानी पढ़े आराम से, क्या है कहानी, साथ साथ पढ़ लो। ऑन अ फॉगी डे, मतलब कि सर्दियों के दिन है, फॉग पूरी सड़कों पे फॉग है, समझ में आ रहा है? आगे, टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर 80 मीटर अपार्ट। तो ये समझ में आता है कि सड़क के ऊपर दो ड्राइवर्स हैं, ये ड्राइवर बी है, ये ड्राइवर ए है, ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 80। ये समझ में आता है? ठीक है, आता है, अब मैं पढ़ता हूँ तो आता है, वैसे आता नहीं। आगे, ठीक है, देवर ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आर एंड 60 किलोमीटर पर आर। चलो ठीक, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आर एंड इसकी वेलोसिटी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आर, राइट। आप किलोमीटर पर आर की जगह मीटर पर सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 72 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1,3600 सेकेंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसका भी निकाल लेना, 60 × 1,000/3600 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये वेलोसिटीज की वैल्यू गिवन है, राइट। बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली अप्लाई ब्रेक्स, एक दूसरे को देखते हुए ताकि एक्सीडेंट ना हो, दोनों क्या अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स। तो इनकी स्पीड बढ़ेगी कि स्लो होगी, हाँ स्लो होगी ना, तो
तो स्लो होगी, एंड कितने एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि स्पीड दोनों की क्या हो रही है? कम हो रही है। तो यानी कि ए भी रिटार्ड करेगा माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड बी भी रिटार्ड करेगा माइनस 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं? रिटार्ड करेंगे। कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? आगे तो फाइनली क्या चाहते हैं? रुकना चाहते हैं कि रुक जाए, एक्सीडेंट ना हो। तो रुकेंगे, तो मान लो ए यहां पे आके रुक गया कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ कितना? एस वन। और मान लो बी यहां पे आके रुक गया कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ एस टू। अगर आप मुझे एस वन एस टू निकाल दें, टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना था? 80। एस वन प्लस एस टू अगर तो 80 से ज्यादा आ गया, फिर तो समझो इनकी टक्कर हुई, क्योंकि रुक ही नहीं पाएंगे, 80 ज्यादा डिस्टेंस चाहिए रुकने के लिए। पर अगर 80 से कम आ गया फिर इनकी टक्कर नहीं होगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या लॉजिक है? तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? एस वन एंड एस टू। तो आप एक काम करें, आपको इसकी वेलोसिटी पता है इनिशियल, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाने वाली है? जीरो। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो यहां पर अप्लाई करें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2 इंटू ए इंटू एस। तो फाइनल वेलोसिटी क्या पुट करेंगे? जीरो। इनिशियल आप निकाल लेना, एक्सेलेरेशन माइनस 5 है और यहां से क्या जाएगा? एस वन। सिमिलरली इसके अंदर भी क्या निकालेंगे? एस टू निकाल लें, एस वन एस टू ऐड करके बताएं जरा क्या आ रहा है, 80 ज्यादा रहे कि 80 से कम आ रहा है, फिर डिसाइड करेंगे एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ। एस वन एस टू आया? अच्छा देखो, तो इसके अंदर ओके तो मुझे चेक कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर तो यहाँ पर जीरो है ही है, इनिशियल ये कितना आया सॉल्व करके बताना जरा? 20 मीटर पर सेकेंड। ओके इसको कट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो बताओ इसका क्या आएगा? 50/3 मीटर पर सेकेंड। राइट। तो इसमें वी स्क्वायर तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 20 का स्क्वायर इज 2 इंटू एक्सेलेरेशन कीजिएगा माइनस 5 इंटू एस वन। तो प्लीज एस वन निकालो, बोलो एस वन कितना आ रहा है? 40 मीटर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है। अब इसमें बी के लिए कैलकुलेट करते हैं फिर से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 2as। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो, इनिशियल कितनी? 50/3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलेरेशन की जगह माइनस 5 और S2 निकालना है। तो S2 कितना आ रहा है?
27 पॉइंट। तो अगर आप एस वन एस टू को ऐड करें 80 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो दोनों में फिर दूरी क्या होगी, 80 में से एस वन एंड एस टू को क्या कर देना है, माइनस आंसर। ऑब्वियसली क्या करोगे, एस वन एस टू कैलकुलेट करके 80 में से क्या करोगे, माइनस आंसर। तो इतने डिस्टेंस पे, इतने गैप पे वो रुक जाएंगी गाड़ियाँ। क्लियर है, कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये फिजिक्स है, प्रैक्टिकल सोचना फिजिक्स है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कहानियां बनानी है, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, कुछ नहीं करना, लॉजिक है, प्योर लॉजिक है। तो लॉजिक को आपने पकड़ना है और ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस कितनी करनी है, पर डे क्वेश्चन कितने एक्सपेक्ट करते हो फिजिक्स के, कितने होने चाहिए पर डे? 20। ठीक, स्टार्टिंग 20 पर डे, 15 पर डे, 20 पर डे। और आप मानोगे जो बच्चा सेलेक्ट होता है एक्चुअल में प्लस टू में जाता जाता है, एटलीस्ट प्लस वन एंड शुरू में तो खैर वो भी कम रहते हैं, प्लस टू के अंदर एफिशिएंसी 40-50 ऑब्जेक्टिव्स की डेली है, 40-50 क्वेश्चन की डेली ऑब्जेक्टिव की एफिशिएंसी है। और ओनली फिजिक्स, हाँ ओनली फिजिक्स की, मुझे पता नहीं बाकी सब्जेक्ट में पता, फिजिक्स में 50-50 न्यूमेरिकल तक कर जाते हैं। आप भी करेंगे, आप ये ना सोचें कि वो कैसे करेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई कहे कि पुशअप करो, आज 10 ही होंगे, फिर कल 11 भी हो जाएंगे, एक महीने बाद 13 हो जाएंगे, करते 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 50 भी पहुंच जाएंगे, साल लगेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, स्टेमिना बनाना पड़ता है, तब जाके होगा। तो लगे रहना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा एक दिन कुछ नहीं हुआ, सर ने कहा था प्लस टू में 50 हो जाएंगे, मैं कुछ नहीं पढ़ा प्लस वन में, अब प्लस टू में होंगे, अब सर ने कहा 50, अब तो हो जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे, डेली करेंगे तो होंगे। तो ये शीट आपको पहले ट्राई करनी पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा, जो नहीं हुआ तो एनालाइज करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, उसको मार्क करना पड़ेगा। ये सोल्यूशन बना के मैं गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, या सोल्यूशन देखने पड़ेंगे, या क्लास में पूछना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं हुआ, फिर आप ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा ये इसलिए नहीं हुआ था, आपने क्या किया, नॉलेज गेन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं तो असाइनमेंट कंप्लीट होगी, इस तरीके से धीरे 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 करके नॉलेज बढ़नी स्टार्ट होगी। शुरू में 10-15 के साथ ही शुरू करेंगे, क्लियर है? बाद में आपको चीज़ें समझ भी जल्दी आएंगी ना, तो जल्दी जल्दी निकलती। जैसे जैसे अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे फिर से पीछे कि चलो एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू ये रही, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जो काम आप 3 मिनट में करते थे, हो सकता है ये काम आप 30 सेकंड में कर दें, ओवरली डिफ्रेंशिएट कर दें, फ़र्क हो गया ना, देखो एक्सपीरियंस से प्रैक्टिस से फ़र्क पड़ रहा है। जो काम कैलकुलस का ये क्वेश्चन करने में पहले 1 मिनट लगता था, स्टेप्स भी लिखते थे, अब ओरली कर रहे हो। तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से आपका टाइम कम होता जाएगा, ठीक है? लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो वहीं बैठा रहेगा जहां पर आज बैठा है, फिर उसका कुछ नहीं होगा, ठीक? तो प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क हुआ, 7th होमवर्क, 8th होमवर्क, 9th होगा तो नहीं आपसे, अगर कर जाओ तो बड़ी बात, ठीक है? मुश्किल लगता है, मतलब ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ये बोलूँगा कि अगर आप कर जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं मुझे अच्छा लगेगा कि आपने एक चैलेंजिंग क्वेश्चन को करके दिखाया, ठीक? नेक्स्ट 10th क्वेश्चन होमवर्क, बताया मैंने आपको शीट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, राइट? और क्वेश्चन नंबर 11th एरिया वाला, वीटी ग्राफ एरिया होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 12th होगा नहीं आपसे, नहीं होगा तो आप मत ट्राई करें। अगर फिर भी अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया और मतलब बिना देखे सीधा ट्राई किया और हो गया, मतलब मेरी तरफ से शाबाशी और स्टूडेंट को जिसने क्वेश्चन कर दिया, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नहीं होंगे, पर मेरी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड अगर आप कर गए तो ये बड़ी बात होगी, ठीक? हो गया, 2 चैलेंजिंग क्वेश्चन हो गए, बाकी होमवर्क हो गया। क्लियर है यहाँ तक? बात बंद करो प्लीज़, बोलो। हाँ, शीट में जाते हुए दे रहा हूँ आपको। क्लियर है यहाँ तक? पीछे ठीक,